हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बर्नली। आज हम लोग चार चार खाना बनाना सीखेंगे। पहले बनाएंगे फोकासिया ब्रेड। इसके लिए 3 कप आटा लिया, होल व्हीट आटा। आटा लेके इसमें हम ईस्ट ऐड करेंगे। इसके लिए पहले 1 स्पून और थोड़ा सा ईस्ट लेके गरम गुनगुना पानी, जिसमें आप उंगली डुबा के रख सकते हैं, ऐसे गुनगुना गरम होना चाहिए पानी, वो पानी डाल के इसको आपको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। ईस्ट फूल के एक्टिवेट हो जाएगा। ये फोकासिया ब्रेड इटालियन ब्रेड है। ये एक्चुअली मैदे से बनता है। आज मैं आटे से बनाऊंगी, क्योंकि मैदा खाना हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। अभी ये ब्रेड बनाने के लिए मैं आटे में थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। और 5 मिनट हो गया है, देखिए ईस्ट फूल गया है, एक्टिव हो गया है। अभी इसमें धीरे धीरे ये ईस्ट ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, पहले नमक और आटा को, फिर वो ईस्ट वाला पानी, गुनगुना गरम पानी ऐड करेंगे। ये आटा एकदम नरम होगा, एकदम लूज आटा होगा, इसलिए पानी ज़्यादा लगेगा। पानी जो मिक्स करेंगे एक्स्ट्रा, वो भी गुनगुना गरम ही है। अभी इसको एक स्पून के मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एक्चुअली हाथ से करना चाहिए, मेरा अमाउंट कम है, इसीलिए मैं स्पून से करना पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ये हाथ में भी बहुत चिपक जाता है, इसीलिए मैं स्पून से कर रही हूँ। ये आटा बहुत स्टिकी होता है। अभी ये पोजीशन में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल ऐड करके फिर और थोड़ा पानी चाहिए, और थोड़ा पानी मैं ऐड करूँगी। आप लोग देख सकते हैं ये स्पून से मैं कितना अच्छे से आटा मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा गुनगुना गर्म पानी इसमें ऐड करके आटा को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एकदम मैं इजी प्रोसेस से बना रही हूँ। ये एक्चुअली फोकासिया ब्रेड, बेसिक फोकासिया ब्रेड है। इसमें बेजिल आएगा, टमाटर आएगा, और ऑनियन और गार्लिक आएगा टॉपिंग्स में। ये अच्छे से मिक्स करके देखिए आटा को मैं अच्छे से, ये हाथ में करेंगे तो बहुत पूरा हाथ में एकदम स्टिक हो जाता है। ज़्यादा अमाउंट होता तो स्पून से नहीं होता, हाथ से ही करना पड़ता। ये कम अमाउंट 3 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं ये ब्रेड, इसीलिए स्पून से पॉसिबल हो रहा है, तो इसीलिए मैं स्पून से ही ये कर रही हूँ। अभी इसको ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ना है। इसको मैं स्टील के ढक्कन से ही ढक दिया। स्टील के ढक्कन से ढक के माइक्रोवेव ऑफ था, उसमें 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। वो थोड़ा गर्म होता है। अभी 1 घंटे के बाद देखिए आटा फूल के डबल हो गया है, एकदम डबल हो गया है। ये एकदम फूल के अच्छे से फूल गया है। अभी एक पैन में थोड़ा पानी लेंगे, और एक स्पैचुला के हेल्प से स्पैचुला पानी में डुबो डुबो के, नहीं तो स्पैचुला में आटा स्टिक हो जाएगा। ये आटा बहुत स्टिकी है। अभी स्पैचुला को पानी में डुबो डुबो के ये आटा को साइड से छुड़ाएंगे। अभी क्या करेंगे, एक जो बेकिंग ट्रे जो है, वो बेकिंग पैन मैंने लिया, ट्रे में कर सकते हैं आप, बड़ा ट्रे में, उसमें थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ये बेकिंग पैन है जो जिसमें मैं केक बेक करती हूँ, उसी बेकिंग पैन में मैं अच्छे से ऑलिव ऑयल ब्रश कर लिया।
ये ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे से आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये ब्रेड छूटेगा नहीं, इसमें से पैन से छूटेगा नहीं, इसीलिए ये बहुत अच्छे से ऑयल ब्रश करना पड़ता है। अभी इसको ब्रश करने के बाद आपको दिखाती हूँ क्या करना है। एक्चुअली ये प्रोसेस जो है, जो प्रूफिंग का प्रोसेस है, मतलब आटा फूलना, ये प्रोसेस आटा को पांच करके आप 2 बार कर सकते हैं। मैं एकदम शॉर्टकट मेथड में जा रही हूँ आज। आटा को मैं एक बार ऐसे प्रूफ किया, फिर इसको डायरेक्ट बेकिंग ट्रे में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं आटा कितना स्टिकी है, बहुत ही स्टिकी आटा है और बहुत ही नरम है आटा। इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, ये जैसे आप रोटी बनाते हैं वैसा आटा नहीं है, पराठा बनाने के भी जैसे आटा नहीं है, उससे भी नरम है, बहुत ही नरम आटा है। अब इस स्पैचुला के हेल्प से ही मैं ये बेकिंग जो ट्रे पैन है उसके साइज में इसको सेट कर देंगे। इसको सेट करने के बाद मैं बताती हूँ आपको, इसका टॉपिंग्स हम लोग रेडी करेंगे कट करके। इसको ऐसे करके थोड़ा एक ही लेवल में करके, स्पैचुला को बार बार मैं पानी में डुबा रही हूँ, क्योंकि नहीं तो ये आटा इसमें स्टिक हो जाएगा। अभी देखिए इसको साइड में रख के, एक्चुअली इसको आप और आधे घंटे के लिए प्रूफ कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट इसमें टॉपिंग डालूँगी। इसके लिए क्या करना है, इसको ऐसे 5 मिनट मैं छोड़ रही हूँ, उसी टाइम में ये ऑनियन काट के मैं रेडी करूँगी। ऑनियन, गार्लिक और बेसिल लीफ और टमाटर, एक्चुअली चेरी टमाटर होगा तो अच्छा होता है, चेरी टमाटर का हाफ करके आप डाल सकते हैं, लेकिन क्या है मुझे मार्केट में नहीं मिला चेरी टमाटर, इसीलिए मैं नॉर्मल टमाटर ही डालूँगी। अभी ऑनियन का कट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं छोटा 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 क्यूब में ऑनियन मैं काट रही हूँ। ऑनियन काट के उसको साइड में लगा के ऐसे 3-4 क्लोव गार्लिक लेके, 3 गार्लिक लिया मैंने, 3 गार्लिक लेके उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, जितना छोटा आपको करना आता है उतना छोटा कर लीजिए। सब बेक हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं, मैं तो मुझे जितना आता है उतना छोटा कर लिया। अभी बेसिल लीजिए, बेसिल एक हर्ब है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर है, डिफरेंट फ्लेवर है। बेसिल को लेके उसको भी छोटा छोटा टुकड़े में काट करेंगे। आप देख सकते हैं एक बंच मैंने बेसिल लिया, हैंडफुल ऑफ बेसिल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, इसमें तीता हो जाएगा टेस्ट। अभी बेसिल को कट करेंगे। बेसिल को कट करने के बाद वो जो आटा मैंने रखी थी उसको आप चाहे तो 1 घंटे के लिए फिर से आटा को छोड़ सकते हैं, छोड़ के फिर बेसिल उसको पांच करके फिर बेसिल लगा सकते हैं, टमाटर, ऑनियन और गार्लिक लगा सकते हैं टॉपिंग के हिसाब से। मैं तो आज डायरेक्ट करूँगी। अभी टमाटर कट कर रही हूँ, टमाटर आधा टमाटर मैं दिया, इसमें चेरी टमाटर होता तो सबसे अच्छा होता, आधा आधा करके। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो आटा रखी थी, ये सब काट करने में मुझे 5-7 मिनट 10 मिनट लग गया, इसमें आटा थोड़ा फूल गया, और अभी उसको पांच करेंगे ऐसे, हाथ पानी में बार बार डुबोएंगे, डुबो के इसको मैं पांच करेंगे, फिर इसके ऊपर टॉपिंग्स बेसिल
ऑनियन, गार्लिक और टमाटर चारों देके थोड़ा उंगली से दबा दबा के उसको अंदर की तरह प्रेस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं अभी मैं गार्लिक दे रही हूँ। गार्लिक देने के बाद ऑनियन दे रही हूँ। ऑनियन को मैं छोटा छोटा टुकड़े में कट के रखी थी। आप एक काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप बरिस्ता मतलब ऑनियन को फ्राई करके देंगे। ऐसे भी ये रोस्ट हो जाएगा लेकिन ऑनियन को फ्राई करके देंगे तो भी चलेगा, वो भी दूसरा टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है। अभी इसको हल्का हाथ से इसको दबा देंगे, वो थोड़ा अंदर जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे, ऐसे करने के बाद 1 घंटे के लिए फिर मैं प्रूफिंग के लिए छोड़ूंगी। उसके पहले थोड़ा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर देते हैं उसमें, और थोड़ा सॉल्ट भी मैं स्प्रिंकल करूंगी क्योंकि ऊपर का जो भेजीज है उसमें कुछ सॉल्ट नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा पेपर भी दे सकते हैं। अभी ऊपर का भेजीज के लिए मैं थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल करूंगी। हाँ, ये अगर सी सॉल्ट होगा तो टेस्ट और भी अच्छा होगा। मेरे पास सी सॉल्ट नहीं था तो मैं नॉर्मल जो हमारा अवेलेबल टाटा सॉल्ट है वही अप्लाई किया, ऐड किया। अभी इसको 190 to 200 200 में ही रखिए, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 40 मिनट के लिए बेक करेंगे तो आपका फोकासिया ब्रेड रेडी। अब मैं बनाऊंगी क्रीम ऑफ सेलरी सूप। सेलरी के लिए ये क्लीन करने के लिए इसका पहले पीछे का जो पोर्शन है ये मैं हाफ सेलरी लाई थी मार्केट से, फुल एक सेलरी ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए नहीं लाई थी पूरा। इसको पहले अच्छे से धो लिया, धो के फिर इसका जो रूट का सामने जो वाइट कलर का पोर्शन होता है वो पोर्शन मैं काट के निकाल दिया, फेंक दिया अभी। हाँ, ये पोर्शन काट के फेंक दिया। अभी इसको थोड़ा पील ऑफ करेंगे, इसका छिलका थोड़ा निकालेंगे क्योंकि ये जो फाइबर है नहीं तो ये मुख में लगेगा, जब सूप पियेंगे च्यू करेंगे तो ये मुंह में ये रह जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा छील लीजिए। इसको छीलने के बाद इसको थोड़ा पतला पतला स्लाइस करके जो ऑनियन हम काट करते हैं वो ऑनियन का जैसे साइज होता है वो ऑनियन के साइज के हिसाब से आप वो साइज में कट कर लीजिए। ये एक सेलरी मैं काट के दिखा रही हूँ, दूसरा सेलरी भी ऐसे ही पूरा। इसमें मेरे पास 6 5 to 6 ऐसे सेलरी का ऐसे सेलरी है, वो उसका जो स्टेम है उसको मैं अच्छे से काट लूँगी। काट के फिर एक बार मैं धो लूँगी। एक बार तो धो लिया है पहले, इसमें इसका रूट जो होता है ना, रूट के सामने बहुत मिट्टी ये सब रहता है तो अच्छे से धोना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं अभी ये जो सेलरी का लीफ है उसको फेंकिए मत, उसको कट करके मैं रख दूंगी, उसको सलाद में अप्लाई करूंगी। उसको कट करके मैं साइड में रख दिया। अभी जो बाकी सेलरी है सबको ऐसे ही पतला पतला स्लाइस में पहले काट करेंगे फिर उसको ऐसे क्यूब में कट करेंगे, छोटा 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 क्यूब में कट करेंगे। सेलरी कट करने के बाद मैं दिखाती हूँ, मैं आज बनाऊंगी क्रीम ऑफ सेलरी सूप। इसमें एक्चुअली चिकन स्टॉक पड़ता है लेकिन मेरे पास चिकन स्टॉक आज नहीं है इसीलिए मैं डालूंगी प्लेन पानी। तो कढ़ाई नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई में आज मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। प्रेशर कुकर गरम कर लिया, उसमें 1 स्पून बटर डाल दिया। फिर बटर डालने के बाद ये गार्लिक ऑनियन मैं चॉप करके रख दिया,
ये गार्लिक ऑनियन एंड सेलरी तीनों को वो बटर में ऐड करेंगे। ये इस टाइम में कैमरा थोड़ा हिल गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी ये सब एक साथ प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे और ऐड करके 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में इसको पकाएंगे। सेलरी थोड़ा सॉफ्ट होगा। ऐसे तीनों को ऑनियन गार्लिक और सेलरी तीनों को एक साथ धीमी आंच में 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। ये थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये जैसे हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगी, हम 3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 3 बोल के परिमाण पानी इसमें डालूँगी। आप लोग स्टॉक डालिए, चिकन स्टॉक डालिए, जो लोग भेज है भेज स्टॉक डालिए। तो मैं तो आज पानी ही डाल रही हूँ। पानी डाल के आप सॉल्ट ऐड कीजिए, पेपर भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मैं पेपर बाद में ऐड करूँगी। ये अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर में एक विसल लगा दीजिए। ये अगर आप पैन में बनाएंगे तो आपको आधा घंटा बॉयल करना पड़ेगा, इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में एक विसल देंगे तो ये कुक हो जाएगा अच्छे से। ये अच्छे से कुक होने के बाद 2 स्पून कॉर्न स्टार्च 1/2 कप पानी में मिक्स करके इसमें मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए गाढ़ा हो गया है सूप। ये कॉर्न स्टार्च मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कॉर्न स्टार्च और पानी आप सब लोगों को पता है सूप को गाढ़ा करने के लिए कैसे ऐड करना पड़ता है। करके इसको बॉयल कर लिया अच्छे से। कॉर्न स्टार्च को कुक करना पड़ता है अच्छे से। तो ये अच्छे से गाढ़ा हो गया सूप। ये गाढ़ा होने के बाद क्या करेंगे, इसमें गैस मैं ऑफ कर दूँगी थोड़ी देर बाद। ये थोड़ा बॉयल होने दीजिए ऐसे ही। ये अब बॉयल होने के बाद गैस ऑफ करके मैं ये अमूल क्रीम इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं 2 स्पून के जैसे अमूल क्रीम इसमें ऐड किया। अभी इसमें आप इतना टेस्ट करके देखिए इसका सॉल्ट और पेपर ठीक है कि नहीं। आपके ज़रूरत के हिसाब से आप सॉल्ट एंड पेपर ऐड करिए। ये सूप रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना था ये। आप लोग बना के देखिए। ये चिकन स्टॉक देंगे तो और भी टेस्टी होगा। अभी हम लोग बनाएंगे सेलरी लीफ का सलाद। इसके लिए हम पहले ले रहे हैं एप्पल। एप्पल को ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा में कट करके मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी, नहीं तो एप्पल रेड हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो ब्राउन एप्पल किसको पसंद है सलाद में, तो इसमें थोड़ा मैं लेमन ऐड करूँगी, 4-5 ड्रॉप लेमन। इतना लेमन मैं पूरा सलाद में ऐड करूँगी। इसका थोड़ा सा लेमन जूस दे के ये बाकी रख रही हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें जो सेलरी का लीव्स था वो ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा स्टेम भी था इसमें। ये सेलरी ऐड करने के बाद मैं लेट्यूस को छोटा छोटा कट रही हूँ। आप दूसरा सलाद के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो मैं आज लेट्यूस लाई थी मार्केट से, तो मेरे पास लेट्यूस था। तो ये सैंडविच में खाते हैं जो लेट्यूस, वही लेट्यूस है। उसको थोड़ा छोटा छोटा टुकड़े में काट करके सलाद में मैं ऐड करूँगी। ये लेट्यूस ऐड करने के बाद आप क्यूकम्बर लीजिए। क्यूकम्बर का छिलका निकाल के अच्छे से आप छिलका के साथ भी खा सकते हैं। क्यूकम्बर छिलका के साथ भी बहुत लोग खाता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो इसका छिलका निकाल के ही खाती हूँ। तो इसका छिलका अच्छे से निकाल लीजिए। निकाल के इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लीजिए। कट करके ये सलाद में ऐड करिए। इसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। इसमें
आप चाहें तो पोमेग्रेनेट ऐड कर सकते हैं, आपके पसंद का कोई भी फ्रूट्स भी और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आज मेरे पास जो जो चीज़ें था वही लेके मैं ये सलाद बना रही हूँ। अभी इसमें डालेंगे ग्रेटेड कैरेट, कैरेट को ग्रेट करके डाल रही हूँ, नहीं तो ये बहुत हार्ड होता है। ये बाकी चीज़ें उतना हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, तो उसके साथ कैरेट का अगर हम क्यूब डालेंगे तो वो स्ट्यू करने में ठीक आराम नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको ग्रेट करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा कैरेट डालने के बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और लेमन जूस। थोड़ा सा सॉल्ट मैं दे रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट दीजिए, और जो बाकी लेमन था उस लेमन पीस का उसको अच्छे से निचोड़ के वो लेमन जूस दिया। फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पेपर, पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप टेस्ट के हिसाब से पेपर, मैं बहुत ज़्यादा पेपर नहीं दे दिया, आप जैसे आपको पसंद है, आपको बहुत तीखा पसंद है तो ज़्यादा ऐड करिए। उसके बाद बैलेंस करने के लिए 1 स्पून टू 1.5 स्पून हनी ऐड करिए। ये सलाद इतना टेस्टी बना था तो क्या बताऊँ, ये सलाद तो मैं खाते रह गई। अभी इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अभी इसको अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स करके मैं इसको फ्रिज में डाल दी थी, खाने से पहले इसको फ्रिज से निकाली थी। ये सलाद रेडी है, बहुत टेस्टी सलाद बना था, आप इसको ज़रूर बनाइए, ये सलाद बहुत ही हेल्दी है। अभी ये सलाद बनाने के बाद मैं बनाऊंगी पैन रोस्टेड पार्सले चिकन। तो पार्सले चिकन के लिए पार्सले लीफ चाहिए, ये मैं 3 घंटा पहले मैरिनेट करके, चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दी थी। इसमें क्या क्या डाली थी, इसमें डाली थी पार्सले को छोटा छोटा टुकड़ा करके वो डाली थी, फिर डाली थी लेमन जूस और पेपर और सॉल्ट और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये आइटम दे के इसको मैरिनेट करके रख दी थी 3 घंटा के लिए फ्रिज में, डीप फ्रीजर में नहीं, ओनली फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में। फिर इसको कढ़ाई में या पैन में, ये एक्चुअली जो बेकिंग पैन है ये आप ओटीजी में बेक भी कर सकते हैं ये चिकन को, लेकिन आज मैं ये पैन में रोस्ट करूँगी। ये पैन में बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छे रोस्ट होता है, इसीलिए मैं इसको पैन में ऐड करूँगी। ये अच्छे से 1 साइड 5 मिनट होने के बाद एक एक करके, ये आप बड़ा भी रख सकते हैं, चिकन का टुकड़ा बड़ा भी रख सकते हैं। मैं छोटा छोटा टुकड़ा काटती हूँ, चिली चिकन बनाऊँगी इसीलिए सोच के। उसके बाद उसी को मैं रोस्ट कर रही हूँ, तो ये जल्दी पक भी जाएगा, टाइम भी और खाने में भी आसान होगा, अच्छा लगेगा। तो इसको पलट दीजिए, 5 मिनट के बाद इसको पलट दीजिए, देखिए नीचे से कितना अच्छा सा ऐसे रोस्ट हो गया है, कलर आया है। ये रोस्टेड चिकन भी 10 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। आज का खाना तो बहुत ही अच्छा था, इटालियन फुकासिया ब्रेड, सैलड, चिकन, ओह सूप, क्या बोलूँ, बहुत अच्छा खाना था।